ये क्या है? शॉर्ट हैंड। ये क्या है? लॉन्ग हैंड। शॉर्ट हैंड क्या बताता है? आर। हाँ, लॉन्ग हैंड क्या बताता है? मिनट। मिनट बताता है कि कोई भी टाइम। अभी ये जैसे शॉर्ट हैंड को मैंने 1 पे कर दिया और लॉन्ग हैंड को मैंने 12 पर कर दिया। 1 o'clock हो रहा है। अगर 1 o'clock के बाद ये लॉन्ग हैंड को मैंने 1 पे कर दिया, अब ये दोनों 1 5 कैसे 5? क्योंकि 12 से 1 के बीच में कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट। 1 से 2 के बीच में कितने मिनट होते हैं? 5। 2 से 3 के बीच में? 5। 3 से 4 के बीच में? 5 मिनट। यानी जितने भी नंबर्स हैं उनके बीच में कितने कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो आप जितने नंबर्स आगे बढ़ोगे, अब जैसे अभी आपको ये बताना है, तो अभी ये कितना टाइम हो रहा है? 1 10 हो रहा है। 5 ये 12 से 1 के बीच का, और 5 मिनट ये 1 से 2 के बीच में। 5 और 5 10 हो गया। दूसरा तरीका ये भी है जानने का कि इनके और इनके बीच में 5 मिनट हुए, इनके और इनके बीच में 5 मिनट हुए। तो अगर हमें यहाँ पर जिस भी नंबर पर लॉन्ग हैंड है वहाँ पहुँचने पे कितना मिनट हुआ ये जानना है, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर होता है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिनट पता चल जाता है। ठीक है, और साथ में ये देखते हैं कि शॉर्ट हैंड हमारा किस नंबर पर है। जैसे अभी 1 और 2 के बीच में, 2 तो अभी 2 के पास पहुँचा नहीं है, तो ये जो जितना भी टाइम हो जाए, मिनट चाहे जो भी हो जाए, ये 1 और 2 के बीच में है, तो आपका 2 o'clock ही होगा। ठीक है, बार बार आप गलत करते हो कि आपको लगता है कि ये 2 के आसपास है, अगर ये यहाँ पर होता है तो आपको लगता है 2 पर, नहीं, ये 1 और 2 के बीच में है, तो अभी ये 1 o'clock है, और प्लस ये जो लॉन्ग हैंड जिस भी नंबर पर है मिनट होते हैं। जैसे ये देखो, अभी ये लॉन्ग हैंड तुम्हारा किस पे हो गया? 5 पर, तो अभी कितने मिनट हो रहे हैं? 25 हाँ, 1 o'clock 25 मिनट हो गए। जिस भी नंबर पर ये लॉन्ग हैंड होता है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देने पे कितना मिनट हुआ ये हमको पता चल जाता है। अभी ये हमने 7 पे कर दिया, अब आप बताओ कितना टाइम हो रहा है ये क्लॉक देख के? 1:35 होगा, ये अभी आपके बीच में होगा। ये हमने यहाँ पे कर दिया, अब बताओ कितना टाइम हो रहा है? 1:45 हो रहा है। अब आप बताओ कितना टाइम हो रहा है? 1:35 अभी आप ये बताओ? 4:45 मिनट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो शॉर्ट हैंड है 4 और 5 के बीच में है। अगर 5 और 6 के बीच में होता, अभी ये यहाँ पर होता, तब ये कितना टाइम होगा? 5:45 क्योंकि ये 5 के बाद है और 6 के पहले है, तो 6 के पहले है इसलिए 6 o'clock नहीं हुआ है। तो 6 के पहले कौन सा क्लॉक है? 5 है, नंबर है 5 है, तो ये 5 o'clock होगा। 5 o'clock 45 मिनट। फिर इसके बाद अगर ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है, अभी आप बताओ कितना टाइम होगा? 5:55 होगा। तो अब आपको पता चल जाएगा कि कोई भी क्लॉक देख करके कि कितने आवर कितने मिनट हुए, कितना टाइम हो रहा है, अब आप देख के बता लोगे? यस। गुड, अब आप जरा ये बताओ अभी कितना टाइम हो रहा है? 6:10 अभी? 6:20 गुड। अब आपको समझ में आ गया कैसे करना है? Yes. अब मैं आपको टाइम बोल रही हूँ, आप उतना इसमें सही से करके दिखाइए। ओके ठीक है। 7:35 5:35 ठीक है। तो ये 7:35 ये थोड़ा सा 7 से आगे होगा और ये 7 पे होगा। ठीक है, अभी आप मुझे 9:45 करके बताओ। 9:45
दिस इज 9:45। अभी आप मुझे बताओ 6:25। शॉर्ट हैंड सिक्स से ज़्यादा आगे होगा कि कम आगे होगा? ये वन फिंगर। हाँ ठीक है, अब आप बताओ हमें 2:15। एट फोर्टी। एट फोर्टी। आप ये बताओ कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। सेकंड होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 120,3600। 3600 सेकेंड्स होते हैं। 3600 सेकेंड होते हैं 1 आवर में। ठीक है, गुड। अभी आपने आप इसके इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करोगे और कल मैं आपको सेकेंड वाले क्वेश्चंस बताऊंगी।